Hey folks, today we are going to implement binary search to find an item in an ordered list. Okay, so basically these are searching techniques. Okay, so we have two searching techniques, that is first is linear, second is binary. So for linear search we have done. Okay, तो अब हम देखते हैं बाइनरी सर्च बेसिकली ये टेक्निक्स कैसे यूज़ होती हैं. सो जो बाइनरी सर्च है इट इज़ गोइंग टू वर्क विद द ओनली द सॉर्टेड लिस्ट. ओके, आपका लिस्ट जो होना चाहिए वो सॉर्टेड होना चाहिए. ओके, तो बाइनरी सर्च, ये जो हमारा बाइनरी सर्च है, एक ऐसे यूज़ होता है सॉर्टेड लिस्ट के साथ होता है. और अगर हमें कोई एलिमेंट सर्च करना है तो कैसे हम प्रोग्राम लिख सकते हैं इन अ पाइथन दैट आई हैव रिटन हियर. तो कैसे करेंगे, पहले हम फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे, मतलब फर्स्ट इंडेक्स, देन लास्ट इंडेक्स लिखेंगे, देन मिडल वैल्यू निकालेंगे उसका. जैसे मिडल वैल्यू क्या आएगा, कुछ भी आ सकता है. जैसे यहाँ पर हमारे पास 8 आइटम्स, तो फोर्थ उसका क्या होगा, मिडल होगा, राइट. तो हमने लिख दिया मिडल इज इक्वल टू, ऐसे हमने लिख दिया, राइट. मिडल, कोई भी मिडल कैसे निकालते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई टू. यहाँ पर देखो मैंने फ्लोट का साइन डाला, डिवीजन का नहीं डाला, क्योंकि कोई भी इंडेक्स क्या होगा वो फ्लोट में नहीं आ सकता, राइट, पॉइंट में नहीं आना चाहिए, इस इंटीजर में ही होना चाहिए. इसीलिए मैंने डबल स्लैश रखोगे तो इंटीजर में ही आएगा, ठीक है. आगे जाते हैं, फिर हमने एक वेरिएबल लिया है, उसको हम लोग ने पहले फॉल कर दिया है, ठीक है, आगे हम देखेंगे उसको, ठीक है. नेक्स्ट हमने क्या किया है, हमने अब यूज़र से इनपुट लिया है कि आप बताओ आपको कौन सा नंबर सर्च करना है. जैसे इसमें से आपको चाहिए 6 मेरा प्रिंट कर दो, मेरा 13 प्रिंट कर दो, 21 प्रिंट कर दो, राइट. तो कैसे प्रिंट होगा वो, सो मैंने यूज़र से इनपुट लिया है, एज इक्वल टू इंट, सबको आता ही रहेगा, इनपुट एंटर नंबर टू बी सर्च्ड. ओके, अब हम आगे लूप करते हैं. हमने इटरेट कर दिया है कि हमने एक कंडीशन दिया है कि जीरो से लेके लेंथ ऑफ अ लिस्ट वन जितना हो उतना ही हमें उसके अंदर ही हमें सर्च करना है, ठीक है, जीरो से लेके 9 तक, समझ में, लेस देन 9, ठीक है. तो मिडल इज लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि 0 को भी इंक्लूड करना है, एंड मिडल इज लेस देन लेंथ ऑफ लिस्ट वन, ठीक है. अब यहाँ पर कॉलन देना वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंडिकेट करता है कि आपका कंडीशन शुरू हो गया है, आपका ब्लॉक शुरू हो गया है, ठीक है. आगे देखते हैं, फिर हमने इफ में कंडीशन डाली है, अगर ए इज इक्वल इक्वल टू लिस्ट ऑफ मिड होगा तो प्रिंट कर दो वैल्यू इज प्रेजेंट एट पोजीशन. जैसे मान लेते हैं हमें 13 सर्च करना है, अगर 13 हमें क्या हुआ, लिस्ट में मिल गया, जैसे यूजर ने डाला ए इज इक्वल टू 13, तो 13 तो है तो प्रिंट कर देगा. बट अगर 13 नहीं हुआ, अब हम क्या कर देंगे, प्रिंट के बाद कर देंगे, जो हमने फॉल किया था उसको हम लोग ने ट्रू कर दिया और ब्रेक कर दिया एक कंडीशन को कि ये नहीं होगा तो आगे वाली एग्जीक्यूट होगी, यही हो जाएगा तो आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है. तो अगला क्या एग्जीक्यूट होगा हमारा, एलिफ, कंडीशनल स्टेटमेंट है ये, सबको पता है कंडीशनल स्टेटमेंट में ये कंट्रोल स्ट्रक्चर के टाइप्स हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट, सिक्वेंशियल, इटरेटर, ठीक है. तो एलिफ में क्या लिखेंगे हम लोग, एलिफ में हम लिखेंगे आइटम टू बी सर्च्ड इज लेस देन लिस्ट ऑफ मिडल वैल्यू. अगर ऐसी कंडीशन उसको मिलेगी तो मिडल इज इक्वल टू मिडल माइनस वन आएगा. जैसे अगर मैंने 13 सर्च करना है, मिडल वैल्यू यहाँ पर क्या आएगा, 36 आएगा, ठीक है. मिडल वैल्यू क्या आएगा, मिडल वैल्यू आएगा 36. अगर अब 36 और 13 को कंपेयर करेंगे तो कौन सा बड़ा है, 36 बड़ा है. तो 36 अगर बड़ा है तो हमारा 13 क्या होगा, अगर ये, मतलब ये कंडीशन में बोल रहा हूँ, तो 13 क्या होगा, इसके पहले ही होगा, तो मिडल से माइनस कर देंगे उसको, समझ में आ रहा है. देन नेक्स्ट क्या होगा, अगर हमारा सर्च वैल्यू बड़ा हुआ, जैसे मेरा मिडल वैल्यू जैसे 6 होता, अगर ये बड़ा है तो इसमें इसके मिडल में हम लोग को ऐड करना पड़ता. हम लोग बेसिकली यहाँ पर इंडेक्स का यूज़ कर रहे हैं फाइंड आउट करने के लिए. ओके, अब हम इसको हम एग्जीक्यूशन और इसका लॉजिकल पैटर्न देखते हैं कैसे ये इंटरनली वर्क करता है. ओके, हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे वही लिस्ट को, राइट. सो कंसिडर करते हैं लिस्ट वन, एंड दिस लिस्ट वन, इन अ लिस्ट वन सर्च 13 वैल्यू. ओके, हमें क्या करना है, 13 वैल्यू सर्च करना है यूजिंग बाइनरी सर्च टेक्निक्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. हम लोग क्या करेंगे, पहले हमें क्या, अब यूज़र ने क्या दिया, ए इक्वल्स टू 13, राइट, ए इक्वल्स टू 13 दिया. पहले क्या होगा, एग्जीक्यूशन होगा. विच एग्जीक्यूशन, फर्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करेगा, लास्ट वैल्यू कैलकुलेट करेगा. ओके, फर्स्ट वैल्यू वो तो हमने इनिशियलाइज कर दिया, मिडल वैल्यू कैलकुलेट करेगा, ठीक है. तो अब मिडल वैल्यू कैलकुलेट करेगा पहले, तो फर्स्ट वैल्यू हमारा 0 है, लास्ट वैल्यू कितना है,
ओके लास्ट वैल्यू हमारा 8 होगा, तो ये 8 होगा राइट। फिर हमारा जो मिडल वैल्यू आ जाएगा 0+8 डबल फ्लोट इज आ जाएगा 4 आ जाएगा राइट, ऐसे आ जाएगा। अब ये तो मिडल आया, तो अब देखते हैं जो मिडल हमको मिडल को यम ले लेते हैं। अब मिडल ऑफ 4 हमारे पास वैल्यू क्या है देखते हैं, ये 0, 1, 2, 3, 4 है, 4 पे 36 है, तो यहाँ 36 लिख देंगे हम लोग ठीक है। आगे जाते हैं हम लोग, अब जो 36 है उसको कंपेयर करेंगे 13 से, इक्वल है नहीं है, कौन सा ग्रेटर है हमारे 36 ग्रेटर है ठीक है। अगर 36 ग्रेटर है, हमने कंडीशन डाला था अगर सर्च वैल्यू लेस देन है, सर्च वैल्यू लेस है तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर हमारा सर्च क्या है 13 है राइट, लेकिन हमें क्या हमारा क्या मिडल वैल्यू बड़ा है यहाँ पर। जब मिडल वैल्यू हमारा क्या होता है बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं मिडल इज इक्वल टू मिडल माइनस करते हैं राइट, ध्यान से समझना। अब क्या करेंगे तो इनिशियल इस कंडीशन का इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगा 0। देखो समझो 13 वैल्यू सर्च करनी है, लेकिन 13 वैल्यू के लिए जो मिडल वैल्यू है बड़ा है, हमको ये पता है 36 36 से छोटा है, तो मतलब इसके मिडल में से माइनस करना पड़ेगा, तो लास्ट वैल्यू इसका मतलब होगा है कि नहीं, ये लास्ट वैल्यू होगा, तो 4 हमारा पिछला था इंडेक्स -1 दैट इज़ 13 आ जाएगा राइट। फिर मिडल निकाल देंगे ठीक है, तो 0+3 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 1, यहाँ पर 1.5 नहीं आएगा क्योंकि हमने फ्लोट लगा रखे हैं ठीक है, तो ये आ जाएगा। फिर नेक्स्ट जाएंगे, फिर यम ऑफ 1 मतलब एक 1 इंडेक्स पे क्या है हमारे पास 6 है, अब 6 और 13 कंपेयर होगा, ये दोनों में कौन सा बड़ा है 36 बड़ा है राइट, 36 बने दोनों में कंपेयर करेंगे इक्वल है, कौन सा ग्रेटर है वो उसकी तरफ हम लोग क्या करेंगे एरो कर देते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू क्या होगी हमारी, फर्स्ट वैल्यू प्रीवियस वाली होगी, नहीं प्रीवियस वाली नहीं होगी सॉरी, अब हमने कंपेयर किया ना 6 और 13 में, पहले हमने क्या कंपेयर किया था 36 और 13 में राइट, तो यहाँ पर क्या हुआ था 36 से पहले 13 होगा तो उसके इंडेक्स में से माइनस कर देंगे, लेकिन यहाँ पर 6 से आगे ही होगा ना क्योंकि नंबर बड़ा है यहाँ पर, हमने क्या बोला था असेंडिंग ऑर्डर में इसीलिए ले रहे, 6 से बड़ा होगा इसका मतलब इसका इंडेक्स क्या होगा आगे होगा, लास्ट वाला हमें पहले ही मिल चुका है तो यहाँ 3 लिख देंगे। अब 6 से बड़ा ही इसका इंडेक्स होगा तो मिड इज इक्वल मिड प्लस 1 होगा राइट, तो मिडल वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 6 की मिड वैल्यू क्या है 1 है प्लस 1 तो ये आ जाएगा 2 ठीक है। अब फिर से नई मिडल वैल्यू क्या होगी हमारी 3+2 हो जाएगी 5 डिवाइडेड बाय 2 डबल डबल स्लैश अगर हम लोग करेंगे तो 2 ही आएगा 2.5 नहीं आएगा ठीक है। अब मिडल ऑफ 2 निकाल देंगे, मिडल ऑफ 2 हमारे पास क्या है 13 है, अब फिर वो कंडीशन चेक करेगा 13 इज इक्वल टू 13, तो ये कंडीशन सही आ जाएगी और हमारा क्या हो जाएगा वैल्यू इज़ प्रेजेंट एट पोजीशन, मिडल वैल्यू क्या होगी उसकी 2 मतलब इंडेक्स वैल्यू 2 पे प्रेजेंट है, समझ में आया।